आइए सीधे इबादत का बाकायदा आगाज करें। खुदा बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम से, जबूर की किताब में से जबूर 138 जबूर की तलावत हम करेंगे। दामन के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, शुक्रगुजारी का गीत दाऊद का मजमूर, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकबीर देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदा, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है, बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है, क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। हाँ, मैं दुख में से गुजरूं तो मुझे ताजा दम करेगा, तो मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत कब दी है, अपनी दस्तकारी को तरक न कर। आमीन। हम सब खड़े होंगे और खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में गाएंगे जबूर 69 उसका पांचवा हिस्सा दूजा भजन। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरा नूं खुदा अकीद कदी ना समझे। आका जबूर 69 रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीरा नूं खुदा अकीद कदी ना समझेगा, अपने असीरा नूं खुदा अकीद ना कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, आया दुख बिच दसिया, आया दुख बिच दसिया, मैं मन नाम का गुरु जी
आज हम बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे रसूलों के अमान की किताब, उसका पांचवा बाब और उसकी बारहवीं आयत से सोलहवीं आयत तक हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमान की किताब उसका पांचवा बाब बारहवीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदे में जमा हुआ करते थे। औरों में से किसी को जरूरत ना हो कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द व औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। अजीजो, आज हम थोड़ा वक्त दुआ में गुजारेंगे, और खास तौर पर एक बड़े ही अफसोसनाक खबर, खास तौर पर जो मेरे साथ ऑनलाइन में हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे बहुत ही प्यारे खुदा के अजीम खादिम पादरी शमाउन मसीह गुजरांवाला से, जिनका ताल्लुक, वो कल इंतकाल कर गए हैं। और एक नौजवान खुदा प्रस्त खुदा के खादिम थे, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा लॉस फैमिली के लिए और प्रेसबिटेरियन चर्च और कलीसिया पाकिस्तान के लिए है। सो कल उनका जिनाजा होगा स्विफ्ट मेमोरियल प्रेसबिटेरियन चर्च सिविल लाइन गुजरांवाला में सुबह 10 बजे। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप खानदान की तसली के लिए दुआ भी करें, और ज़रूर कल जनाजे की इबादत में भी शिरकत फरमाएं। हम इस वक्त भी उनके लिए खास तौर पर दुआ करेंगे,
ताकि खुदा गमजदा खानदान को तसल्ली तशफी और इत्मीनान अता फरमाए। आइए सीधे अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से, खुदावंद खुदा प्यारे आसमानी बाप, मसीह यीशु में हमारे असली अपनी जिंदा जलाली अजीम आसमानी पिता, हम शुक्र गुजारी करते हैं आपकी तमाम तर बरकात और नेमतों के लिए जो आपने अता फरमाई है रात भर की अच्छी और खूबसूरत नींद के लिए और आज के सुहाने सुबह के लिए। खुदावंद खुदा हम दुआ और शुक्र गुजारी करते हैं कि हमारा खुदा सारी दुनिया का खालिक और मालिक और राजिक और परवरदिगार है और वो मौसमों का खुदा है। सारी कायनात और मौसम उसके कब्जे और इख्तियार में है। वो जब चाहता है बारिश बरसाता है, जब चाहता है बारिश को रोक लेता है। और खुदावंद खुदा कल पूरे पाकिस्तान में बिलखसूस लाहौर में शदीद किस्म की बारिश हुई है। सारी रात से लेकर अब तक बारिश का सिलसिला जारी है और खुदावंद खुदा हम इसके लिए शुक्र करते हैं क्योंकि ये आपकी नज़र में बेहतर है, अच्छा है। लेकिन खुदावंद खुदा हम तमाम उन गरीब ऐसे लोगों को भी याद करते हैं जिनके कच्चे मकान हैं, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जो खुदावंद खुदा ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाने से जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। सो खुदावंद हम दुआ करते हैं हम पर अपने करम की नज़र फरमा, हमारी गलतियों को, कोताहियों को, गुनाहों को, तकसीरों को, बदकारियों को मुआफ़ कर और खुदावंद हम पर तरस खा। जिस तरह खुदावंद खुदा तूफान नूह के वक्त इंसानों की बदी की वजह से आपने पानी से दुनिया को तबाह किया, लेकिन खुदावंद उसके बाद आपने फरमाया कि मैं अब पानी से दुनिया को हलाक ना करूंगा, आपको तर्स आया। इसी तरह खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं अब भी अपने करम की नज़र फरमा, अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी कोताहियों को, गुनाहों को, तकसीरों को मुआफ़ कर और फजल बख्श के पहली और पिछली बारिश बर वक्त हो और ये बारिशें हमारे लिए रहमत का बायस हो ना कि जहमत का बायस हो। इसी तरह खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं कि चंद दिनों से लाहौर पाकिस्तान के अंदर खुदावंद एक समंदर में तूफान की पेशीन गोई है और बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में और इंडिया में खाली करवाए गए हैं ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके और उनको महफूज मुकामात पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। हम हुकूमती तमाम इकदामात के लिए शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद खुदा हमारे मुल्क पर और हमारे पड़ोसी मुल्क पर रहम कर और ये समुद्री तूफान खुदावंद खुदा गुजर जाए, किसी किस्म का कोई जानी माली खुदावंद खुदा नुकसान ना हो। इस वक्त खुदावंद खुदा मैं खास तौर पर आपके खादिम अपने भाई हम खिदमत दोस्त पादरी शमाउन मसीह साहब के लिए उनकी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद वो एक अच्छे इंसान थे, पासवान थे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत खिदमत इस ज़मीन पर की है। लेकिन हम जानते हैं कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, दुख से भरा हुआ है, ये दुनिया उसका घर नहीं, उसने यहाँ से जाना है। और खुदावंद खुदा कल हमारे भाई हम खिदमत हमसे जुदा हो गया। खुदावंद वो इस जिंदगी में उन्होंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और खुदावंद खुदा वो एक साल से तकरीबन एक जंग की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन खुदावंद खुदा आपने फजल किया और उसे अपने बंदा को इस गुनाह आलूदा बदन और दुनिया से आज़ाद करके अपने पास बुलाया है। तो भी खुदावंद ये खबर जब फैली है और यकीनन जब ये हुआ है तो पादरी साहब के अहले खाना के लिए एक बहुत बड़े दुख का मौका है। खुदावंद उनकी अहलिया अपनी बहन के लिए और बच्चों के लिए, खानदान के तमाम तर अफराद के लिए मैं बरकत की दुआ चाहता हूँ, तसल्ली को मांग लेता हूँ, आपका इत्मीनान मांग लेता हूँ जो दुनिया दे नहीं सकती। और खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं कि जब इबादत की कल इबादत की जाए, फ्यूनरल सर्विस की जाए,
दूर नजदीक से जब उनके रिश्तेदार उनके दोस्त अहबाब खुदा के खादिम चर्च में जमा होते हैं तो खुदावंद ये इबादत खानदान के लिए बरकत और तसल्ली का बाइस ठहर जाए। और खुदावंद खुदा हम जो जिंदा हैं हमें फजल बख्श और अपने दिन गिनना सिखा। ये दुनिया और ये जिंदगी इतनी नाजुक है कि अगले पल की खबर किसी को नहीं है। सो हमें अपनी मुसाफरत का ये जमाना खुदावंद अपने डर और खौफ में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा और तौफीक और फजल दे कि जब तक हम जिंदगी में जिए खुदावंद यीशु की गवाही और उसके नाम को जलाल देने का वसीला बने। गुनाह से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खुदावंद मैं इस इदारे के लिए भी दुआ करता हूँ, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के लिए, इस पर करम की नजर फरमा, बरकत दे, जुमला जरूरतों को पूरा कर और अपने जलाल के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करना। कलाम मुकद्दस का जो बीज बोया गया 30, 60 और 100 गुना फल पैदा करे। हमारी दुआ मिन्नत और शुक्रगुजारी को कबूल फरमा। सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के अजीब और हसीन यीशु नाम के वसीला से। सब मिलकर बुलंद आवाज से खुदावन की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे और जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत चला हमेशा आपका है। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ, खासतौर पर इस इदारे जमात और कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। इबादत हो चुकी, स्टाफ जो है वो जा सकते हैं। थैंक यू।